वरिष्ठ भाजपा नेता रामपाल सिंह यादव का 2.5 साल पहले अगवा पुत्र बटेश्वर के बीहड़ से लौट कर आया है। ये बरामदगी बड़ी मुश्किल से हो पाई है। 2 दिन पहले कोई अज्ञात व्यक्ति आकर उनकी कार में बटेश्वर के बीहड़ इलाके में आने का संदेश लिखकर पर्ची छोड़ गया था और पुत्र के सुराग देने पर घोषित इनाम को मांगे जाने की बात भी इसमें लिखी गई थी। 2.5 साल से बेटे की बरामदगी के लिए भाजपा नेता लखनऊ से लेकर दिल्ली और अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे। इसके बाद चले रेस्क्यू ऑपरेशन में बेटे की सकुशल घर वापसी के बाद घर में सभी के चेहरों पर खुशियां लौट आई हैं। न्यूआगरा के केंद्रीय हिंदी संस्थान रोड स्थित शील विहार कॉलोनी निवासी रामपाल सिंह यादव वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। उनका पुत्र अभिषेक 17 वर्ष 8 दिसंबर 2017 को घर से निकलने के बाद लापता हो गया था। मामले में पूर्व MLC ने न्यूआगरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रामपाल यादव इसी के बाद से बेटे की बरामदगी के लिए अधिकारियों से लेकर लखनऊ और दिल्ली के चक्कर काट रहे थे। भाजपा नेता ने बताया कि उनका एक निर्माणाधीन मकान शाहदरा क्षेत्र में है। वह चोरी की सूचना पर 31 मई को वहां गए थे। इसी दौरान कोई चुपचाप उनकी गाड़ी में पर्ची लगा गया। उसे खोलकर देखा तो बटेश्वर का पता लिखा हुआ था। इसमें वहां पर बेटा मिलने और घोषित इनाम देने की बात भी लिखी थी। इसी के साथ उन्होंने बताया कि रिश्तेदारों और सुरक्षा कर्मी के साथ पर्ची पर लिखे पते पर वह बटेश्वर बीहड़ में गए। वहां करीब 1 घंटे की तलाश के बाद उनका बेटा बीहड़ में अर्ध बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। उसे घर लेकर आने के अगले दिन उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी। मैं जब बाहर निकला अपने मकान से तो मेरे वाइपर के नीचे एक पर्ची दबी हुई थी। मैं गाड़ी में से दोबारा उतरा, मैंने पर्ची को निकाला, पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने जब उसमें देखा कि उसमें आपका बच्चा लापता है बहुत दिनों से, उस पर जो इनाम घोषित करा है और जो ऊपर राशि है उसके अलावा, वो दोनों चीज़ें आप हमें दे देना, मेरा नाम गुप्त रखना। मैं आपको बटेश्वर रोड पर 7 किलोमीटर सुरेरा मार्ग पर मिलूँगा, आपका बेटा भी वहीं मिलेगा। 9 बजे से 10 बजे के बीच में आप आ जाना और अपने बच्चे को ले जाना। दिनांक 8 दिसंबर 2017 को थाना न्यू आगरा पुलिस को ये सूचना दी गई कि एक लड़का अभिषेक सिंह उर्फ भैयू, जिसकी उम्र 17 वर्ष थी, वो घर से पिज्ज़ा लेने निकला था और वापस नहीं आया था। मामला तभी संदिग्ध लगा था और पुलिस ने तत्काल मुकदमा लिखते हुए इसमें लापता लड़के की छानबीन और उसकी खोज शुरू कर दी थी। अभी पुलिस को ये सूचना मिली है कि ये लड़का वापस अपने घर आ गया है। किन परिस्थितियों में लड़का गायब हुआ था और क्या क्या उस समय कहाँ कहाँ ये गया हो सकता है, इन सब चीज़ों की तहकीकात पुलिस द्वारा की जा रही है। और अभी लड़का जो है वो मेडिकली स्टेबल है। रामपाल सिंह यादव के परिवार की खुशियां लॉकडाउन में लौट आई हैं। भाजपा नेता और उनकी पत्नी अंजना यादव और नानी विमला यादव ने ऐसा कोई मंदिर और दरगाह नहीं छोड़ा जहां उन्होंने बेटे के सकुशल घर लौटने के लिए दुआ न की हो। डीजी मांझा न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।